सो वेलकम बैक टू योर चैनल फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो जल्दी से स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, ये मैंने अमेजोन से मंगाया था 143.45 रुपीस में। रोजमेरी हर्ब्स हैं इसमें, रोजमेरी के पत्ते हैं और इस पर मेंशन है 599 रुपीस, जबकि मुझे 599 में नहीं मिला है। यहाँ पे इसकी एक्सपायरी डेट पड़ी हुई है और ये पैकेजिंग के बाद 12 मंथ्स तक सेफ रहता है और आप इसको मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कुछ ये प्रोडक्ट है, ये रोजमेरी के पत्ते हैं इसमें। ये मैंने अमेजोन से फर्स्ट ऑर्डर किया था, सेकंड है हमारा। सो फ्रेंड्स, ये था नेक्स्ट प्रोडक्ट और मैंने इसको पहले ही निकाल के देख लिया था क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा था। वो था वैसलिन का और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। क्वालिटी तो वैसलिन की है ही अच्छी क्योंकि इसको हम बहुत लॉन्ग टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। लिप केयर रोजी लिप्स लॉन्ग लास्टिंग इंटेंसिव मॉइस्चराइजेशन 60 रुपीज़ का है ये और बहुत ही अच्छा है। आप वीडियो देख सकते हैं मैंने कैसे इसको अनबॉक्स किया। आप इसका एकदम बारीकी से कलर शेड सब कुछ देख सकते हैं। चुप यार। सो ये है थर्ड प्रोडक्ट। मैंने इनसाइड की नेल पेंट ऑर्डर की थी, ये नेल पेंट है और आप आगे इसकी अनबॉक्सिंग जैसे कि जो शेड है वो आप देख सकते हैं। तो ये बहुत प्यारा शेड है और बहुत ही ब्यूटीफुल है और मैंने अप्लाई भी कर रखा है। ये है ये शेड जो मैंने नेल्स पे लगाया है। So this is पैरासूट कोकोनट वाटर हाइड्रेटिंग जेल है। ये मल्टीपर्पज़ जेल फॉर स्किन एंड हेयर। सॉरी फॉर मोबाइल कैमरा क्वालिटी। तो आप अब आराम से देख सकते हैं, मल्टीपर्पज़ जेल है स्किन और हेयर्स के लिए। और मैं ये पैरासूट ब्रांड का फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। प्राइस कुछ ये है, इसकी सेल्फ लाइफ ये है 23 to 25 चलेगा। और अब मैं इसका रिव्यू 1 वीक यूज़ करके, प्लीज़ कमेंट करना तो मैं आपको इसका प्रॉपर रिव्यू दे दूँगी। तो ये है कुछ ये प्रोडक्ट, मैंने अभी तक इसको एक भी बार यूज़ नहीं किया है। फ्रेंड्स, ये एलेटिन का OMG लिप ग्लॉस है जो अभी लॉन्च हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और ये बहुत अच्छा लिप कलर आप आगे वीडियो में देख सकते हैं। तो प्लीज़ अगर और हाँ प्लीज़ अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। कुछ ये शेड है इसका और बहुत ही प्यारा शेड है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी स्किन टोन पे मेरी स्किन टोन पर बहुत अच्छा लग रहा है। आगे आप इसका टेक्सचर शेड प्लस लिप्स पे कैसा लगता है वो आप देखो। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप बताना कि आपको ये शेड कैसा लगा और इनमें से आपको कौन से प्रोडक्ट अच्छे लगे हैं।
और कौन से प्रोडक्ट आपने यूज़ कर रखे हैं, क्योंकि मैंने एक भी यूज़ नहीं किया है और मैं ज़्यादा क्यूरियस हूँ इस प्रोडक्ट के लिए, बहुत ही ज़्यादा। और मैं ये यूज़ करके ही आपको इसका रिव्यू दूँगी। तो ये था ये ये सारे मेरे फेवरेट हैं और ये काफ़ी वायरल प्रोडक्ट सारे मैंने ऑर्डर किए थे, तो मैं यूज़ करने के बाद ही आपको डिटेल रिव्यू दे सकती हूँ। तो इसको यूज़ करके मैं दूँगी आपको रिव्यू। तो आगे आप पहले इसके शेड टेक्सचर सब कुछ देख सकते हैं और प्राइस वगैरह सब मैं मेंशन कर दूँगी। खुशबू इसकी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी इस खुशबू आ रही है। तो ये कुछ ऐसा शेड है, मैं आपके अप्लाई पे इस पर लगा के दिखाऊंगी। सो दिस इज़ द एक्चुअल सेट, एक्चुअली यू कैन सी बहुत ही अच्छा है, क्रीमी है बहुत ही ज़्यादा। आई एम सॉरी फॉर इंटरप्शन। Mm-hmm.